आज प्रभात तारा मैदान धुरवा में इंडिया उलगुलान इस महारैली में जो मंच पर उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो दिशम गुरु शिबू सोरेन, और इस मंच पर उपस्थित पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मान साहेब, इस मंच पर उपस्थित यूपी के कर्मठ नेता समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी, आपके सुनीता केजरीवाल, आपके संजय सिंह जी, राजद के युवा सम्राट तेजस्वी यादव जी, कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी और सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला जी, आज सभी मंच में हमारा सम्मानित अतिथिगण, इस गुलान इस उल गुलान महारैली में झारखंड के सपूतों भाइयों बहनों क्रांतिकारी साथियों, हमारा इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, सबसे पहले आप सबों को हमारी ओर से जोहार, सभी पत्रकार साथी लोग को भी हमारी ओर से जोहार। आज ये जो जनसैलाब अपना दिल से आए हैं, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर झारखंड प्रदेश या दिल्ली के या पूरा देश के अंदर में जो आज केंद्र सरकार की जो तनाशाही रवैया और जो केंद्रीय एजेंसी को अपना एक दल के लिए जो काम करने के लिए हिदायत, उस सारी चीज को ये झारखंड प्रदेश से इसी मैदान से प्रदेश से लेकर देश को हम लोग एक संदेश देने के लिए आयोजन किया गया है। जो हमारा लोकप्रिय सरकार जो 2019 में जिसका नेतृत्व में हम लोग जनादेश प्राप्त करके एक महागठबंधन संगठन का हम लोग सरकार बनाया, अरे झारखंड प्रदेश का इतिहास भूगोल एक अलग ही है। ये बड़ा धनी प्रदेश है लेकिन झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी बड़ा दूरी रखा गया है यहाँ का खनिज संपदा से। ये लड़ाई हमारा पूर्वजों ने वर्षों से लड़ाई लड़ा है लेकिन आज हम लोग को जिस तरह से बेवजह जहे मोहन बाबू को जिस जमीन का नाम पर उनको गिरफ्तार किया, वो भूमियारी जमीन है, ये कोई नहीं ले सकता है। ये पता होना चाहिए झारखंड के इतिहास, यह सीएनटी एक्ट है, यह एसपीटी एक्ट है,
या वन अधिकार अधिनियम है या पर ऑयल कंसर्न रूल है, ये व्यवस्था झारखंड में है। ऐसा परिस्थिति में आज जिसको आज जिस जमीन से उनको गिरफ्तार किया गया है, आज उसका आज खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। इस तरह के झूठा आरोप बना के नेतृत्व का, हम लोग का नेतृत्व जेल के अंदर चल गया है। इसलिए आज आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है झारखंड का इतिहास को मिटाना, कि आज बन अधिकार अधिनियम भी आज उस कानून को भी शिथिल करने गया है, जिसमें आप ग्राम प्रधान का अधिकार है, जंगल का बीच में जिसका अधिकार है, वो अधिकार से भी आपको वंचित करने जा रहा है। कोयलांचल में भी आपको उसी तरह का कानून लाने जा रहा है, जो झारखंड जो इतिहास है, यहाँ का जो अस्तित्व है, यहाँ का जो अस्मिता है, ये मिटाने का उनका षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी। आज जो यहाँ इस चुनाव में आपको फैसला लेना है, जो संसद चुन के जाता है पार्लियामेंट, झारखंड का धरती के ऊपर में बोलना चाहिए, लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी का संसद दिल्ली जाके यहाँ को, यहाँ का सभ्यता, यहाँ का सीएनटी एसपीटी, यहाँ का वन अधिकार अधिनियम को बचा लेके ये एक शब्द नहीं कहता है, और यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का अस्तित्व तो मिटाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। इसीलिए आज आप लोग को ये सावधान होने का है। ये क्यों ये लोग हेमंत बाबू से क्यों घबराया, क्यों ये लोग केजरीवाल से घबराया है, ये लोग सच्चाई में, ये लोग एक जनता की बीच में निस्वार्थ भाव से काम करना शुरू किया कि आज झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय है, और उस चीज का अध्ययन करके हमारी सरकार हेमंत बाबू ने सोचा कि हम यहाँ पहले सब पहले झारखंड के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी को हम आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, सामाजिक व्यवस्था को सुधार देंगे और शैक्षणिक व्यवस्था को लाएंगे आज बढ़िया। यही जो कदम उठाया है, इस कदम को देख के भाजपा वालों को पेट में दर्द पैदा हो गया है कि आज आदिवासी को शिक्षा देगा, मॉडल स्कूल बना के दे रहा है। अरे ही आप लोग को याद कीजिए, जिस समय इस राज्य में डबल इंजन का सरकार था, 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल गांव में बंद कर दिया था, ताकि ये सोचता था यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग का बच्चा नहीं पढ़े, इसलिए प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था। आज कहता है हम चावल देते हैं, हमने 80 करोड़ का अनाज देते हैं, लेकिन आज झारखंड के इतिहास अलग है। जिस समय डबल इंजन का सरकार था, 11 लाख यहाँ झारखंडियों का गरीब घर परिवार का राशन कार्ड का रद्द कर दिया था। यही डबल इंजन का सरकार भारतीय जनता पार्टी ने रद्द कर दिया था। जब ये सरकार बना है हेमंत बाबू के नेतृत्व में, 20 लाख हरा राशन कार्ड हम लोग दे दिया है, और जो 5000 स्कूल बंद कर दिया था, या स्मार्ट स्कूल खोलने शुरू हो गया हर इस प्रखंड के स्तर में, ये उसको दर्द पैदा हो गया। जो यहाँ का गंवार रखने का इच्छा था, आदिवासी लोग नहीं पढ़े, यहाँ का दलित बच्चा नहीं पढ़े, यहाँ का मूलवासी पिछड़ा वर्ग का बच्चा नहीं पढ़े, ये दर्द हो गया साथी। इसीलिए उनका ऊपर हेमंत बाबू पीछे पड़ गया। इस हमारे
महागठबंधन के सरकार को हिलाने शुरू कर दिया है, यही उनका मंशा है। वो भी बहुत लंबा समय भारतीय जनता पार्टी यहाँ राज किया था, लेकिन यहाँ का आदिवासी का उत्थान करने कभी नहीं बात किया है, यहाँ का मूलवासी का स्थान का कभी बात नहीं किया, न यहाँ का दलित का कभी बात नहीं किया। और वो जो आज हम लोग यहाँ का जो रोटी कपड़ा मकान हम लोग देना शुरू किया, तब उनका पेट में दर्द पैदा हो गया है कि आज इतना झूठा है। ये बहुत चिल्लाते भारतीय जनता पार्टी कहता था कि हम 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे, लेकिन झारखंड के साथ धोखाबाजी किया है। 8 लाख सूची बना था पीएम आवास का, 8 लाख प्रधानमंत्री आवास का सूची बना था, और कई बार पत्राचार किया गया, कई बार डायरेक्ट हेमंत बाबू और ग्रामीण मंत्री जाके हमारा भेंट करते गया कि पैसा दे दो, नहीं दिया। तब ये सरकार हेमंत बाबू ने उस समय था ये सोचा हम सरकार अगर नहीं देगा वो केंद्र सरकार, तब आपको अब वो आवाज देना शुरू कर दिया। आज 2 कमरे का जगह 3 कमरा हम लोग देना जा रहा है, यहाँ पूरा 20 लाख परिवार को देने जा रहा है। ये इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का नींद उड़ गया, पेट में दर्द शुरू हो गया और सरकार को अस्थिर करने शुरू कर दिया, और झूठा मुकदमे में हेमंत बाबू को जेल कर दिया। यही तो कहानी है। ये जो यहाँ का जो उद्देश्य झारखंड को अलग किया गया था और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो हम लोग योजना बना दिया, इसका दर्द हो गया। हर परिवार को आज हम लोग सम्मान दे दिया। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग का विद्यार्थी को विदेश हम लोग पढ़ने भेज दिया। जाओ यहाँ का मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, अच्छा पढ़ के लिख के आ जाओ, झारखंड को संवारो। ये हम लोग कम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सब योजना देख के सरकार को हिलाने शुरू कर दिया। अंत में वो लोग नहीं सका, एक तो जेल किया, लेकिन हमारा पार्टी में हमारा इंडिया गठबंधन जो मजबूत है हम लोग संभाल के रख दिया, सरकार फिर से हम लोग बनाया। लेकिन ये लोग जो अच्छा काम करने वाला सरकार, जिस तरह से केजरीवाल अच्छा दिल्ली के ऐसा राजधानी में, भारत का राजधानी में अच्छा काम करने के लिए वहां का बिजली, वहां का शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य को अच्छा काम करने कदम उठा दिया, तो आज उनको आज जेल जाना पड़ा। इसी तरह आज हेमंत बाबू भी, यहाँ का आदिवासी का बेटा, यहाँ का किसान का बेटा, मूलवासी का बेटा, दलित का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा, पिछड़ा वर्ग का बेटा को विदेश जब पढ़ने फ्री पर भेज दिया, इन लोगों को पेट में दर्द हो गया। ये जो इतना सुंदर काम झारखंड को संवारने के लिए ये जो योजना हम लोग शुरू किया, ये भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए आज उसका दर्द हो गया साथी। इसीलिए आज जागे सूर संग इंखन पे सोहल से डेरा ना झारखंड दिशों ने माझी हड़म को सनाम कोटे आलिंग अरदास है ना नुआ दिशों रे नुआ तो आबुआ दिशों का ना हेमंत बाबू तो खाली खाली तेते हैं जेल को जेल का दिया को नुआ दिशों रे अबुआ उड़ा अबुआ जे रेंगे जो रे जो तो हराम बुड़ी जो गो बाबा को पेंशन एमट कुआ जो तो विधवा को पेंशन एमट कुआ
नेत्रहीन को पेंशन एमाद कुआ आर विकलांग को पेंशन एमाद कुआ नुआ दिशोम रे बेस इसूल बेस को पढ़ा माहौन गड़ा उन्हें एहोप किया उन्हें ते भारतीय जनता पार्टी नुकुदो मेट ने रुकुड़ेन तक हुआ आर हना नवा दोष कते खाली खाली ते दोष कते और तेल ने कोई दिक्कत दिया उन्हें ते नुआ दिशोम होर नुआ तो सनाम को पुहेरा दिशोम गुरु सिबुसरें ते हैं मरंग लेका केटेज बनुईया होड़ महाड़ा में तया मैं का नहीं नो दिशों में होड़ तले रे दुरुपा करना है दिशों में होड़ जागुआ रखत बुआ नो दिशों में होड़ एवे नकत बुआ नो दिशों में रे हरियर चिरे उठा साबो चुआ कत बुना उन आते नो दिशों में रे आलो पे हंते नतिया नो दिशों में न्याम चुआ कत बुना दिशों में गुरु सिबु सोरेन उन आते नो दिशों में रे हरियर चिर आ सार के तहन मा अब वह महागठबंधन जहां गांव तक ना जहां के बुंतिंगु अका दिया उन्हीं के उन अब वह गठबंधन के वोट बुन एम्मा नोआ दिशम दो आर नितम दो भारतीय जनता पार्टी तिरी दे बाबन चला हो चो मा नोआ दो सनाम दिशम होड़ पे मोने रे पे ठेव को का बाका नोआ दिशम जाले का नितम उनको तो नोआ दिशम रे हेज कते अब वह राय रीत को बदला अब वह सीएनटी एसपीटी एक को बदला अब वह जहां नगाम इतिहास ओना को दपाला ओना ते नुआ धरती रे तो सीधे आप राम को तीसो होड़ा आय दरी बाको सहावका ओना ते सनाम को जुमी पिता है ना आ नुआ दिशोमरे अब वह गीता है मा आसार होता है मा अब वह मुहा गठबंधन नुआ गांव ता होता है मा आज के आज जो तो उपस्थित हो इंसेन अमर माँ बोन आज के आज उन्हें एक रोध एक उन टुकु बादल करे चे एमोन रोध चिलो बारो एक टर समय 41 डिग्री चिलो किंतु आज दोले दोले लोक्खो लोक इखने असलीन आज अमरा ये अमर जे महागठबंधन एकने आमादे एकता आज अनेक सुंदर आमरा ये रौद्र आमरा इदी कुदी घुलम ना आज निजेर जन शक्ति के आमरा देखाते सफल हलि एजन आज बोलते चाय ए माटीर उपरे आमरा जन्म नियेछि ए माटीर उपरे आमरा अनेक संघर्ष करेछि ए पूंजीवादी व्यवस्था যদি এই দেশে আসবে ঝাড়খণ্ডে আসবে তাহলে এখানের মানুষ কোনোদিন আগে বাড়তে পারবে না এরা বহু রুপিয়া রাজনৈতিক দল মিথ্যা বলে রাজনৈতিক করে এই জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি এই ঝাড়খণ্ড থেকে ইয়া দেশের থেকে তো এটাকে সরাতেই হবে এ কোনোদিন শ্রমিকের কথা বলবে কি না কোনোদিন নকরির কথা বলবে কি না কোনোদিন দাম বাড়ছে সেই কথা বলবে না মুষ্টিভর কিছু গিলা পুঁজিপাতি আছে 20 জন না এক দর্জন দু দর্জন পুঁজিপাতি আছে তাদের জন্য শুধু রাজনীতি করছে তাদের জন্য ভাওতাবাজি করে বহু রূপে রূপ দেখে লোককে খালি দিকভ্রমিক করবার চেষ্টা করছে এই জন্য আজকে আমি বলে যাচ্ছি যদি আমরাও মানুষ আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা আছে তাহলে আমরা সঠিক বিচার করে ভারতীয় জনতা পার্টি এই মাটিতে ওকে আমরা থাকতে দেব না আমরা আমাদের গঠবন্ধন যত আমাদের এমপি আছে যত জায়গায় 14 জায়গায় জন জায়গায় আমাদের গঠবন্ধন সেই জায়গায় সেই গঠবন্ধন সাথীকে আমরা ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করব আর এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মিথ্যাবাদী ভারতীয় জনতা পার্টি এই ঝাড়খণ্ডের মাটিতে কোনোদিন দাঁড়াতে দিবার নাই এই বলে আমার এই যত মা বোন এসেছেন এই বলে আমার সন্দেশ কে আমি মাটিকে বাঁচাবার আছে এই মিথ্যা বলে যে রাজনীতি করে ভারতীয় জনতা পার্টি তাকে এখানে আমরা আর উনার কোথায়
ওই ভাঁওতাবাদী কোথায়, ও আর যে হার সময় মিথ্যা বলে লোককে দিকভ্রমিত করে ভোটটা নিয়ে, আর এখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উনি আনবার চেষ্টা করছে, সেটা হতে দিবার নাই। এই জন্য আপনারা একতা হয়ে গঠবন্ধনকে ভোট দিবেন, এটাই আমার সন্দেশ। আজ ইহা পর ইস ইলাকা মে মিটিং হো রা হ্যায়, এইচএসসি হ্যায়, ইহা বহুত পুরানা কম্পানি হ্যায়, ইয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি, ये भी कोई पूंजीपाती का देने के लिए मेहनत कर रहा है। इसलिए तमाम झारखंड के आदमी, तमाम यहाँ पर जो भी आया हुआ है कर्मचारी, ये आप लोग एकता बना के रहिए। ये गठबंधन जो आज गठबंधन का मजबूती है, ये मजबूत को आप लोग मजबूती बन कर रखिए। इस आने वाला चुनाव में 14 के 14 सीट में महागठबंधन का ही जीत हो, इसका लिए आप लोग संकल्प लीजिएगा, इसका लिए संकल्प लीजिएगा। हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग एचएसी का हम लोग कभी निजीकरण नहीं करने देंगे, इसको बचाएंगे हम लोग। मजदूर का, मजदूर का आवाज को भी हम लोग, उनका मांग को भी हम लोग सम्मान के साथ हम लोग उसको एक दिन अधिकार देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं झारखंड में हजार हजार यहाँ निजी कंपनी है, और उस कंपनी में भी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरपा को 75% नौकरी देना होगा, ये कानून बना हुआ है। इसीलिए तब जाके यहाँ का हम लोग सही उपयोग कर सकता है, तभी जाके हम लोग यहाँ का आर्थिक स्थिति सुधार हो सकता है। अच्छा सिंचाई की व्यवस्था ये सरकार ने ठान लिया है, ये आपकी सरकार है, ये ठान लिया है कि छोटे बड़ा किसान के बीच में भी अच्छा कृत्रिम का सिंचाई का व्यवस्था देने जा रही है। आपका बेटा बेटी को पढ़ने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड है, हम जानते हैं मजदूर का बेटा मैट्रिक करने के बाद आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है। ये आपका सरकार है, गठबंधन का सरकार है, जितना पैसा लगेगा उनको दिया जाएगा, किसी तरह का गिरवी रखना नहीं पड़ेगा, और उस लड़का को, विद्यार्थी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर तरह का मदद मिलेगा। यही सब देख के ये भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को हिलाना शुरू किया है, लेकिन अब हिलेगा नहीं। ये सरकार मजबूती से साथ, ये गठबंधन सरकार मजबूती से साथ झारखंड में जी हम लोग ये एक भी खाता खोलने नहीं देंगे इस बार का चुनाव में, और आगे भी हमारे गठबंधन का ही सरकार मजबूती से बन के रहेगा। पूरा देश में हम लोग जितना गठबंधन है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, जो हम 2/3 मेजोरिटी को लाके संविधान का नीति को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे, ये यहाँ से संदेश हम देना चाहते हैं, जग जाओ भारतवासी, जाग जाओ इस प्रदेश का वासी, ऐसा तत्व को इस बार के चुनाव में हम लोग वोट के माध्यम से देंगे जवाब। आने वाला दिन 400 पार किया, 150 नहीं पार करेगा, यह संकल्प आप लोग लेके जाइएगा। इसलिए तमाम साथीगण, आप सबों ने इस चिलचिलाट दूध में जो आज जन सकते आप सबों का जो जनशक्ति है उसका सम्मान करते हुए आज जो आज हेमंत बाबू क्या उसका जो जेल जाया गया है, उसका लिए एक जनशक्ति जो आप लोग दिखाया है, उस जनशक्ति का आभार के साथ अपना विचार को समाप्त करता हूँ। जय झारखंड।